Planet Bollywood. दीपिका पादुकोण हैं बॉलीवुड की सबसे चार्मिंग एक्ट्रेस। हमने अक्सर दीपिका को मीडिया इंटरेक्शन करते हुए खुश मिजाज देखा है, पर क्या आपको पता है कि दीपिका पादुकोण को भी है किसी चीज से नफरत। वेल, एक नहीं बल्कि तीन तीन चीजें हैं जिससे दीपिका करती हैं सख्त नफरत। वेल, दीपिका की ये तीन हेट स्टोरीज क्या हैं? हम आपको बताते हैं। मैंने आज तक किसी चीज के बारे में मैंने कभी कॉमेंट किया है नहीं किया है, तो इसके बारे में भी नहीं करूंगी। तो सुनिए दीपिका की हेट स्टोरी नंबर वन। दीपिका को नहीं है पसंद कोई भी रणबीर कपूर और रणवीर सिंह को कंपेयर करे। दीपिका को इस बात से प्रॉब्लम है कि उन्हें कोई भी ये सवाल ना पूछे कि रणबीर और रणवीर में से किसके साथ वो लगती हैं बेस्ट। इस सवाल को दीपिका करती हैं सबसे ज्यादा हेट। जब इस सवाल पर जवाब पूछा जाता है तो देखिए दीपिका कैसे रिएक्ट करती हैं। आई थिंक आई एम इक्वली कंफर्टेबल विद बोथ ऑफ देम। आई थिंक आई हैव अमेजिंग केमिस्ट्री विद बोथ ऑफ देम। तो देखा आपने, अगली बार इस सवाल के बारे में जरा सोच समझ कर पूछना। इसके अलावा दीपिका को नहीं है पसंद कि कोई भी उन्हें कंट्रोवर्सीज के बारे में सवाल पूछे, स्पेशली व्हेन इट इज अबाउट हर कैट फाइट्स विद अदर एक्ट्रेसेस इन द इंडस्ट्री। रीसेंट की ही बात है जब दीपिका से पूछा गया था सवाल ऑन हर टिफ विद कंगना। इस सवाल से हर बार दीपिका बचती फिरती नजर आई। इट्स बहुत अजीब लगता है कि दो लोगों के बीच एक बहुत ही पर्सनल कॉन्वर्सेशन हुआ है और सब लोग सवाल पूछते हैं, बहुत ही अजीब लगता है। It's a very personal thing and I wouldn't want to comment on it. इसके अलावा दीपिका की हेट स्टोरी 3 ये है कि उन्हें अकेले रहना जरा भी पसंद नहीं। इस अकेलेपन के चलते the actress had also gone through depression, जिसके बारे में उन्होंने खुल के बात भी की थी। दीपिका ने कहा भी है कि उन्हें उनके आसपास कोई ना कोई चाहिए। तो अब तो आप सब जान ही गए हैं कि दीपिका की तीन हेट स्टोरीज कौन सी हैं। अगली बार इन स्टोरीज पर जरा सावधानी रखना। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई।